हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको फैब्रिक बटन बनाने का तरीका बताऊंगा। इस मशीन के जरिए मैं आपको फैब्रिक बटन बनाने का तरीका बताऊंगा। मेरे पास फिलहाल में 3 डाई उपलब्ध है, एक 22 नंबर की है, ये वाली 30 नंबर की है और ये 44 नंबर की है, और इनमें से इस साइज़ के बटन निकलते हैं। ये बटन है 22 नंबर का, ये 30 नंबर का और ये 44 नंबर का। ये बटन नंबर की साइज से चलते हैं। 44 नंबर का बटन में कपड़ा नहीं लगता है तो इस प्रकार से दिखता है ये बटन। ये आगे का पोर्शन है और ये पीछे का पोर्शन है। इसी प्रकार से ये 30 नंबर वाला बटन और इसी प्रकार से ये 22 नंबर वाला बटन। तो चलिए हम इस प्रकार से बटन आज बनाते हैं। हम 44 नंबर से शुरू करेंगे। 44 के नंबर की डाई कुछ इस प्रकार से होती है। सबसे पहले हम डाई का जो याला हिस्सा होता है, ये हिस्सा इस जगह पे लगाएंगे इस तरीके से। फिर जो ये स्प्रिंग वाला भाग रहता है और ये रहता है, स्प्रिंग को इस तरीके से रखेंगे, इसके ऊपर याला हिस्सा रखेंगे डाई का, और ये जो दो हिस्से रहते हैं ये इसमें आएगा इस प्रकार से। और फिर हम 44 नंबर वाला बटन लेंगे। बटन को हम इस कपड़े पे बनाते हैं, इस कपड़े पे। ये कपड़ा इस प्रकार से लेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे इसे जहाँ से चुन्नट ना आए। फिर हम एक धागा लेंगे, धागे को इस तरीके से लपेट देंगे, मजबूत लपेटेंगे जिससे कि बटन का ये हिस्सा पूरा पैक हो जाए, जिसमें चुन्नट वगैरह नहीं आए। तो हम इसको इस प्रकार से कर देंगे और ये जो हिस्सा है इसे काट देंगे। और फिर ये जो पीछे का हिस्सा रहेगा इसे इस प्रकार से मिला देंगे और इस हिस्से को इसमें यूँ रखेंगे। और फिर ये वाला जो हिस्सा है इसको इस प्रकार से रख देंगे, पैक कर देंगे और मशीन को पुश कर देंगे। तो हमारा बटन तैयार हो जाएगा इस प्रकार से। इस प्रकार से 44 नंबर का बटन तैयार हो जाएगा। अब हम 30 नंबर का बटन बनाएंगे। 30 नंबर का बटन इसे भी इसी प्रकार से रखना है, फोल्ड करना है, थोड़ा घुमाना है जिसमें बटन पे चुन्नट ना आए। इसे इसी प्रकार से धागे से बांधना है, टैग बांधना है जिसमें कि कपड़े पे इस एरिया में चुन्नट ना आए। फिर इसे काट देना है। इस प्रकार से काट देना है। इसे भी उसी प्रकार से रखना है, थोड़ा सा दबाना है और डाई चेंज करना है। अब हमें 44 नंबर की डाई यूज़ कर ली, अब हम 30 नंबर की डाई यूज़ करेंगे। इस नंबर की डाई भी उसी प्रकार से लगेगी, इसे टाइट करने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि बार बार अगर आपको डाई बदलनी है तो टाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे भी ऐसे ही रखा, बराबर जमाया और इसे भी पुश कर दिया। इस प्रकार से बटन तैयार हो जाता है 30 नंबर का। और अगर हम बराबर नहीं जमाते हैं तो बटन ख़राब हो जाएगा, हमें दूसरा बटन बनाना पड़ेगा। अब सबसे छोटा वाला बटन बनाते हैं।
सबसे छोटा वाला बटन की भी वही चीज करना पड़ेगी जो हमने बड़े बटन के लिए किया था। कपड़ा लगाना है, मोड़ना है, धागा बांधना है, पैक धागा बांधना है, इसे भी इस प्रकार से काटना है। और एक बात याद रखिए, ध्यान देने वाली बात है कि जो ये कपड़ा हमने काटा है ये सही तरीके से कटना चाहिए और कम कटना चाहिए, नहीं तो बटन खराब हो जाएगा। अब हम डाई चेंज कर देते हैं, 30 नंबर वाली निकाल दी। अब हम 22 नंबर की सबसे छोटी डाई लगाएंगे। इसमें 11 जो पीछे वाला हिस्सा है इस हिस्से को अंदर छोड़ देना है, इसके अंदर फिर रखना है बटन को इस प्रकार से सीधा, ये रखना है, फिर इसे बराबर पकड़ के पुश कर देना है, ये बटन लग गया। छोटा वाला बटन भी तैयार हो गया। हमने ये 3 बटन बनाए। आपको समझ में आ गया होगा कि फैब्रिक बटन बनाते कैसे हैं। ये सारे बटन हम आसानी से बना सकते हैं, तो टेलर इस प्रकार से बटन बनाता है इस मशीन की मदद से। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब। नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए बाय बाय।